हमारे कैंडिडेट गुरजीत सिंह औजला जी, एक सेकंड औजला जी यहां आइए। गुरजीत सिंह औजला जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, भाइयों और बहनों, पंजाब के युवाओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए, इतनी गर्मी में आप आए, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। पंजाब, पंजाब का मूड कैसा है? मूड कैसा है आपका? आप जानते हो कि आप लोग देश का मूड बनाते हो। भाइयों और बहनों, ये जो लड़ाई चल रही है, ये मामूली चुनाव नहीं है। ये आजादी के पहली बार ये दूसरे तरीके का चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के सीनियर नेता संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। पहली बार इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान के इतिहास में उनकी पार्टी के नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम इस संविधान को बदल देंगे, रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, फेंक देंगे। अब इसका मतलब समझिए। लोग सोचते हैं कि यह संविधान 70-80 साल पुरानी किताब है, वो सही है, मगर इस संविधान के अंदर जो सोच है वो 70-80 साल पुरानी सोच नहीं है, वो हजारों साल पुरानी सोच है। मैं अमृतसर में हूं, अगर आप गुरु नानक जी की सोच को देखें और समझें तो आपको पता लगेगा कि इस संविधान में गुरु नानक जी की सोच है। और मैं उससे आगे जाता हूं कि इस संविधान की जो नींव है, इस संविधान की जो नींव है वो गुरु नानक जी ने रखी थी, उनकी सोच ने रखी थी। और सिर्फ गुरु नानक जी ने नहीं, ऐसे हिंदुस्तान में अलग अलग महापुरुषों ने वही सोच देश के सामने रखी थी, चाहे वो बुद्धा हो, बुद्ध भगवान हो, नारायण गुरु जी हो, बसवना जी हो, इन सब की सोच इस किताब में है। और आज बीजेपी के लोग सामने आके कह रहे हैं कि हम गुरु नानक जी की सोच पर आक्रमण करेंगे और उसको हम खत्म कर देंगे। उस सोच का रिप्रेजेंटेशन मॉडर्न हिंदुस्तान में गुरु नानक जी की सोच का यही रिप्रेजेंटेशन है। गुरु नानक जी ने कहा था कि सब लोग समान हैं, सबकी इज्जत होनी चाहिए, सबका आदर होना चाहिए, सबके साथ मोहब्बत होनी चाहिए। यह कॉन्स्टिट्यूशन भी वही कहता है। तो चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोग जो इसको खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षा कर रही है। कांग्रेस पार्टी देश की जनता के साथ
अंबेडकर जी के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन लाई थी। तो अगर बीजेपी इस पर आक्रमण कर रही है तो वो अंबेडकर जी की सोच पर भी आक्रमण कर रही है। भाइयों और बहनों, आप देश में किसानों की हालत जानते हो और आप यह भी जानते हो कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के किसानों के लिए, पंजाब के किसानों के लिए इतना सा भी नहीं किया। उल्टा आप पर आक्रमण किया, 3 काले कानून लाए, और जब पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, महाराष्ट्र के किसान, मध्य प्रदेश के किसान सड़क पर उतरे तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको आतंकवादी कहा। यह बात हम कभी नहीं भूल सकते हैं। 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया, मगर पंजाब के किसान का, बाकी प्रदेशों के किसानों का 1 रुपया उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया है। और खुलकर कहते हैं कि मैं किसानों का कर्जा माफ नहीं करूंगा क्योंकि इससे किसानों की आदत बिगड़ती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अदानी का कर्जा माफ होता है, 16 लाख करोड़ रुपए 22 लोगों का कर्जा माफ होता है तो उनकी आदत नहीं बिगड़ती है, मगर पंजाब के किसान का कर्जा माफ होता है तो किसान की आदत बिगड़ती है। यह कैसी सोच है? कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं पैदल चला, पंजाब से निकला और हजारों किसानों से मैंने बात की, और किसानों ने सिर्फ 3 चीजें मुझे बोली जो आपके दिल में थी। सबसे पहले आपने कहा कि देखिए राहुल जी, हमें बात समझ नहीं आती है, हमने क्या गलती की है। उनका कर्जा माफ हो जाता है, अदानी अंबानी के लिए कानून बनते हैं, मगर हमारा कर्जा कभी माफ नहीं होता। यह आपने पहली बात बोली। दूसरी बात आपने बोली कि राहुल जी, हम मार्केट में जाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, पैंट खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं, सब प्रोडक्ट्स के लिए सही दाम मिलता है, दाम लिखा होता है, मगर जब हम अपना अनाज बेचते हैं, शुगर केन बेचते हैं, आलू बेचते हैं, तो हमें सही दाम नहीं मिलता। और तीसरी बात आपने कही कि नरेंद्र मोदी जी बीमा योजना लाए हैं, इस योजना से 16 कंपनियों को फायदा होता है, हमारा नुकसान होता है, आंधी आती है, तूफान आता है, कंपनीज को हम फोन लगाते हैं, ईमेल भेजते हैं, कंपनी जवाब देती है कि हम आपको बीमा का पैसा नहीं दे सकते। ये 3 चीजें पंजाब के किसानों ने, बाकी देश के किसानों ने मुझे कही। तो इन 3 सवालों के मैं आज आपको जवाब देना चाहता हूं। पहला काम, जैसे यूपीए सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया था, वैसे ही कांग्रेस पार्टी पंजाब के किसानों का, बाकी देश के किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है। दूसरी बात, यह सिर्फ एक बार नहीं होगा। हम सरकार में एक ग्रुप बनाएंगे जो किसानों की फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टडी करेगा, और जब भी हिंदुस्तान के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, इंडिया गठबंधन की सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगी। एक बार नहीं, अनेक बार हम यह काम करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा कि कानूनी एमएसपी हम नहीं देंगे। मैं यहां आपको साफ कह रहा हूं,
इंडिया गठबंधन की सरकार पंजाब के किसानों को, हिंदुस्तान के किसानों को गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रही है। और तीसरा काम जो आपने बीमा की बात बोली, नरेंद्र मोदी जी का जो बीमा का प्रोग्राम है वो 16 कंपनियों की मदद करता है, इस प्रोग्राम को हम रीस्ट्रक्चर करेंगे, किसान फ्रेंडली बीमा योजना बनेगी और 30 दिन के अंदर हिंदुस्तान के सब किसानों का पैसा उनके खाते में चला जाएगा, उससे ज्यादा डिले नहीं होगा। ये थी बात किसानों की। अब भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का काम किया, आपने देखा होगा, पता नहीं देखा नहीं देखा, उनके आजकल बड़े इंटरव्यूज चल रहे हैं, देखा आपने, देखा उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं, मीडिया के चार चमचे बैठा देते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, नरेंद्र मोदी जी जवाब देते हैं। सवाल कैसे होते हैं, नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, काट के खाते हो या चूस के खाते हो, ऐसे सवाल चल रहे हैं। तो उन इंटरव्यू में एक चमचे ने उनसे पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, सोचते हैं पहले, वो थोड़ी देर सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं, फिर कहते हैं, क्या चाहते हो कि मैं सबको गरीब बना दूं? नहीं मोदी जी, हम चाहते हैं कि जो आप अमीरों के लिए करते हो, अरबपतियों के लिए करते हो, वो आप गरीबों के लिए करो। अच्छा, एक नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, पता नहीं चीजें कैसे होती हैं, परमात्मा ने मुझे भेजा है और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का काम करता हूं, मुझे परमात्मा ने मिशन पे भेजा है। मतलब हिंदुस्तान के बड़े से बड़े महापुरुषों ने यह बात नहीं बोली, मगर नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि परमात्मा ने उनको चुना है, सिर्फ उनको। हम सब बायोलॉजिकल हैं, हिंदुस्तान के किसान मजदूर प्रेस रिपोर्टर सब बायोलॉजिकल, मगर नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं, एक व्यक्ति को भेजा है, परमात्मा ने भेजा है। मैं सोच रहा था, नरेंद्र मोदी जी ये फीलिंग आपको कब आती है, ये आपको 24 घंटे लगता है या सुबह ऐसा लगता है या शाम को लगता है, और ये जो आपको फीलिंग आई ये नोटबंदी से पहले भी आई थी क्या, गलत जीएसटी लागू करने से पहले आई थी? ये मैं सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथ में परमाणु बम का स्विच है। खैर, बड़े इंटरव्यू चल रहे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी टिप्पणी दे रहे हैं, शायद परमात्मा ने कहा है कि हिंदुस्तान के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, एयरपोर्ट्स को, पोर्ट्स को अदानी को पकड़ा दो, मगर पिछले 10 साल उन्होंने यही किया है।
तो अब हम उल्टा करने जा रहे हैं। उन्होंने 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी, हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी, पंजाब में, हरियाणा में, बाकी प्रदेशों में, और हर परिवार में से, हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं के नाम आएंगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार चुनी जाएगी और हम काम शुरू कर देंगे। हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में 4 जुलाई को सुबह आप उठेंगी, 9 बजे आप अपना बैंक अकाउंट खोल के देखेंगी और उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार ने 8,500 रुपए आपके लिए अंदर डाल दिए होंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चलता जाएगा, हर महीने खटाखट 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 8,500 रुपए अंदर। साल के 1,00,000 रुपए हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में जाएगा। यह क्रांतिकारी काम है, ऐसा काम किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया है, ये हम करने जा रहे हैं। आप सोचिए, सबसे गरीब परिवारों को साल का 1,00,000 रुपया, महीने का 8,500 रुपया, इससे गरीबी पर बहुत जबरदस्त चोट लगेगी। लिस्ट में किसानों के परिवार होंगे, मजदूरों के परिवार होंगे, बेरोजगार युवा होंगे, और सीधा हम उनके बैंक अकाउंट में पैसे का इंजेक्शन डाल रहे हैं। इसके पीछे सोच है, भाइयों और बहनों, इसके पीछे सोच है। आइडिया क्या है, मैं आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिए, अंबानी अदानी जैसे लोगों को। उन्होंने उस पैसे को लंदन में खर्च किया, दुबई में खर्च किया, हिंदुस्तान के बाहर खर्च किया, जमीन खरीदी, होटल खरीदे। जब आपके पास पैसा आएगा, आप इसको लंदन में नहीं खर्च करोगे, आप इसको पंजाब में खर्च करोगे, गांव में खर्च करोगे, शहरों में खर्च करोगे, शर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, जूते खरीदोगे, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, ये चीजें आप खरीदोगे। और जैसे ही आपने इस पैसे से ये चीजें खरीदनी शुरू की, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां, अमृतसर की बंद फैक्ट्रियां एक बार फिर शुरू हो जाएंगी और हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में पैसा मिलेगा। तो एक प्रकार से हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल में आप पेट्रोल डालते हो और फिर चाबी घुमाते हो, वैसे ही हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, और उस पैसे से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जंप स्टार्ट होगी, स्टार्ट हो जाएगी। किसानों को हम कर्जा माफ कर रहे हैं, गरीबों के बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपया डाल रहे हैं। आज मजदूरों को मनरेगा के लिए 250 रुपए मिलता है, इंडिया सरकार मजदूरों को मनरेगा के लिए 400 रुपए देने जा रही है। आशा और आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं, आपकी जो भी आज आमदनी है, 4 जून के बाद हम उसको दुगना कर देंगे, डबल कर देंगे। अब आई बात बेरोजगार युवाओं की। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के युवाओं से कहा था, 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। प्राइवेटाइजेशन किया,
सरकारी वैकेंसीज नहीं भरी। अमृतसर, पंजाब और पूरे हिंदुस्तान के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को खत्म कर दिया, गलत जीएसटी लागू की, नोटबंदी कर दी और इसका नतीजा हिंदुस्तान देख रहा है। आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता। अंबानी और अदानी रोजगार नहीं दे पाते, दे नहीं सकते। रोजगार स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री देती है, छोटी छोटी फैक्ट्रियां देती हैं। रोजगार एग्रीकल्चर में दिया जा सकता है। तो हम पहला काम सरकारी नौकरियों को भरने का करने जा रहे हैं। 30 लाख सरकारी नौकरियां आज हिंदुस्तान में खाली हैं। हमारा पहला कदम उन नौकरियों को आपके हवाले करने का होगा। दूसरा काम और क्रांतिकारी काम, दूसरा काम और क्रांतिकारी काम हिंदुस्तान के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं। अरबपतियों के बेटे जॉब मार्केट में जाने से पहले एक साल की टेम्पररी नौकरी करते हैं, उसमें उनको ट्रेनिंग मिलती है, पैसा मिलता है और जॉब मार्केट में अंदर जाने का मौका मिलता है। मगर ये फैसिलिटी गरीब युवाओं को नहीं मिलती, बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलती। हमने पहले मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया था, उससे करोड़ों लोगों को फायदा हुआ। मगर जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, इस योजना से उनको फायदा नहीं हुआ। इसीलिए हम ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को, यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्रेजुएट्स को एक नया अधिकार देने जा रहे हैं, पहली नौकरी पक्की का अधिकार। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, बीएचईएल, एचएल, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में आपको एक साल की नौकरी का अधिकार मिलेगा, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी, हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए जाएंगे, साल के आपको 1,00,000 रुपए मिलेंगे। हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को यह फैसिलिटी मिलेगी। इससे हिंदुस्तान को एक ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी, बेरोजगार युवाओं के जेब में पैसा जाएगा, उनको एक्सपीरियंस मिलेगा और वही पैसा जो उनके जेब में जाएगा, जैसे महिलाओं का पैसा अर्थव्यवस्था को चालू करेगा, वैसे ही यह पैसा भी अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करेगा। तो यह हमारी सोच है। मेन चीज संविधान की रक्षा, गुरु नानक जी की सोच की रक्षा, भाईचारा। और जैसे मैंने भारत जोड़ो यात्रा में कहा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, सबको एक साथ लाना है और एक साथ मिलकर प्रगति करनी है। ये आपके लिए मेरा मैसेज है। आखिरी बात कहना चाहता हूं, मैं यहां आया था अमृतसर, गोल्डन टेंपल में मैंने सेवा की, उससे पहले भी किया था, मत्था टेकता था, मगर सेवा नहीं की थी। जब मैंने सेवा की तो बिल्कुल दूसरे तरीके से मुझे बात समझ आई, इतनी शांति मिली। और थोड़ा सा जो आपका ये धर्म है, सुंदर धर्म है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे समझ आया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अमृतसर और गोल्डन टेंपल को हमें एक ग्लोबल सेंटर बनाना चाहिए। धार्मिक सेंटर, पिलग्रिमेज सेंटर, और ये जो सोच है और जो शांति वहां मिलती है, इसको पूरी दुनिया में हम सबको मिलकर फैलाना चाहिए।
और इस काम को मैं आपको कह रहा हूं कि इस काम को करने में जो भी मैं कर सकूंगा, जितनी भी मैं शक्ति डाल पाऊंगा, मैं डालने जा रहा हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो गुरु नानक जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने रास्ता हमें दिखाया है, उस रास्ते पे हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय पंजाब। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। मैं हुण बेनती करूंगा अमृतसर दी समुची लीडरशिप, साडे कैंपेन कमेटी दे मैंबर साहिबान राणा जी, राणा गुरजीत सिंह जी, और खास तौर ते साडे मजीठा तो गुरु भगवंत सच्चर जी, जसबीर सिंह डिंपा जी, संतोख सिंह भलाईपुर जी, ये सारे लीडर साहबाना नूं बेनती करूंगा कि समुची सीनियर लीडरशिप दे नाल आके ढींगरा जी सारे सन्मानित करन। बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद। एक बारी फिर राहुल जी दा इत्थे पहुंचन ते कांग्रेस पार्टी दे वर्कर तह दिलों धन्यवाद करते हैं।